Rishto.com जी मेन ऑफिस जे शानदार कामयाबी खां पोए Rishto.com जी ब्रांच ऑफिस हाने गोल मैदान निरंकारी हॉल उल्हासनगर ब में भी उल्हासनगर जे पहरे में ए कल्याण जी शहर वासिन लाए एक सुहिणी सुखड़ी आलीशान ऑफिस उहो भी कपल ए पेरेंट्स जे मीटिंग रूम सा गड ता अचो ए अज ही विजिट कयो Rishto.com सिंधियन जो सिंधियन सा ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। डेली पेज उल्हासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। उल्हासनगर 5 के माता माई राजैन मंदिर में नवरात्र उत्सव का मेला। नवरात्र उत्सव के चलते मंदिर में बहराने साहेब के साथ चौकी का आयोजन। हर साल की तरह इस साल भी उल्हासनगर 5 पूज्य चालिया साहेब मंदिर स्थित माता माई राजैन मंदिर में नवरात्र उत्सव बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। जहां रोज रात को मंदिर में माता की आरती होती है, जिसके बाद मंदिर में आए भक्तों के लिए और नवरात्र रखने वाले लोगों के लिए आम भंडारे का आयोजन मंदिर द्वारा किया जाता है। साथ ही आने वाली 9 अक्टूबर के दिन मंदिर में सतरामदास मंडली की तरफ से बहराने साहेब का आयोजन किया गया है और 10 अक्टूबर के दिन मंदिर की प्रिय सेवादार प्रीति टंडन की चौकी मंदिर में रखी गई है। जय माता दी, माता माई राजैन की जय। सभी उल्हासनगर वासियों से यह बताते हुए खुशी हो रही है कि माँ राजैन मंदिर में माँ राजैन के नवरात्र उत्सव प्रारंभ हो गए हैं। 2 तारीख रात से माँ राजैन मंदिर के नवरात्र माँ राजैन मंदिर में मनाए जा रहे हैं। रोज रात को 8:30 बजे माँ की पावन आरती होती है, उसके बाद माँ को भोग लगा हुआ भंडारा सारी संगत में बांटा जाता है। जो भी माँ की बहने माताएं देवी राजैन माता मंदिर में जितने भी भक्तजन हैं, जो नवरात्रि रखते हैं या नहीं रखते हैं, उनके लिए माँ राजैन मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया है। माँ के मंदिर में राजैन मंदिर में आके अपना भंडारा खाके अपना व्रत छोड़ सकते हैं। 9 तारीख को सतनामदास मंडली की तरफ से बहराने साहब का आयोजन किया गया है। 10 तारीख को माँ राजैन मंदिर की प्यारी बहन, मेरी लाडली बहन माता की चौकी करेगी, प्रीति टंडन पठानी और माता की चौकी करेगी। 11 तारीख को अश्विनी के पावन पर्व पर महाराजैन मंदिर में 1 बजे हवन होगा, उसके बाद कन्या पूजन होगा और पूरा दिन भंडारा वहाँ का बताया जाएगा। महाराजैन मंदिर में मैं सभी उल्हासनगर वासियों से ये निवेदन करता हूँ कि आइए महाराजैन मंदिर में नवरात्र के पावन पर्व पर माँ की आराधना करें, माँ की उपासना करें और अपना जन्म सफल करें। महाराजैन के आगे दीप जला के अपनी हर मनोकामना जगाएं। जय माता दी, माता माई राजैन की जय। नंबर चालिया मंदिर के बिल्कुल पास राजैन मैया जी का भव्य मंदिर है। नवरात्रों का मेला लग चुका है, माँ विराजमान हो चुकी है, खूबसूरत फूलों से देवी माँ का दरबार सजा है। पूरे उल्हासनगर को बधाई हो कि नवरात्रों की देवी राजैन माँ सज धज के बैठी है, अपने मंदिर में विराजमान है। संगत जो आती है आशीर्वाद देने के लिए सबके सर पे हाथ रखेगी, सब पर कृपा करेगी राजैन माँ। और वैसे तो देवी राजैन माँ के मंदिर में आप लोग पहले भी वैष्णो देवी जाते थे, लेकिन वैष्णो देवी खुद माँ के साथ आके बैठी है पिंडी रूप में। उल्हासनगर 5 की बात कर रहा हूँ, राजैन माँ के मंदिर में पिंडी रूप में माँ वैष्णो देवी विराजमान है। और एक और खुशखबरी आप सभी को, देवी माँ के चरणों से जो शीतल जल निकला है, तो सब आइए और उस जल को पीजिए, अपनी कंचन काया, अपनी देह आरोगी कीजिए, निरोगी कीजिए। हर दुख दूर होता है माँ का ये पावन शीतल जल पीने से, जो माँ के चरणों में से बिल्कुल निकला है। जाते जाते राजैन माँ के मंदिर में हमारे बाबा साई प्रकाशपुरी जी के माता जी ने जो भविष्यवाणी की थी, सबको बताया था, जब वो ब्रह्मलीन होने वाले थे तभी उन्होंने बताया सबको कि माँ के चरणों से जो शीतल जल निकलेगा, जो भी पिएगा उसका बेड़ा पार होगा। तो नवरात्रों की देवी सज धज के बैठी है, आइए और उल्हासनगर 5 के ऐसे सुंदर मंदिर में माँ के दर्शन पाइए। जय माता जी।